हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न टू ग्रो में, आप कुणाल के साथ। दोस्तों, आज की जो वीडियो मैंने आप लोगों के बनाई है, इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान तरीके से ये सिखाऊंगा कि हम कैसे एक लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से स्क्रीनशॉट लेते हैं, और मेरी तरफ से एडवांस स्टेप क्या है कि उस स्क्रीनशॉट को लेने के बाद हम कैसे अपनी यूट्यूब वीडियोज़ का थंबनेल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी सारी वीडियो सब अपडेटेड रहें। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। जैसे मैं आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, कैसे उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही साथ उस स्क्रीनशॉट से अपना वीडियो का थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो के दो पार्ट रहेंगे। पहले पार्ट में आपको मैं सिखाऊंगा कि हम स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, कैसे सेव करते हैं उसको, और दूसरे पार्ट में आपको सिखाऊंगा उस स्क्रीनशॉट से हम लोग कैसे अपना वीडियो का थंबनेल बना सकते हैं। ठीक, देखिए, मैं HP का लैपटॉप है, मेरे पास विंडोज़ 10 में यूज़ करता हूँ। तो आप हो सकता है विंडोज़ 7 यूज़ करते हैं, विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं, तो किसी विंडोज का काम करते हैं, तो स्क्रीनशॉट का क्या तरीका है। हमारे लैपटॉप होता है, या हमारा जो आपका सिंबल कीबोर्ड होता है उसमें टॉप में फंक्शन कीज होती हैं जिसमें F1 F2 लिखा होता है। या HP का लैपटॉप है मेरा, तो इसमें F12 के बाद एक की होती है, इसमें लिखा होता है INSPRTSC, एक होता है इंसर्ट प्रिंट स्क्रीन, इसकी फुल फॉर्म जो होती है। तो मेरे लैपटॉप में मैंने क्या करना होता है, सिंपल में से इस पर टैप करता हूँ प्रिंट स्क्रीन पे, और ये इस पर क्लिक टैप करते ही ये कॉपी हो जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो मैंने अभी तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब सेव कैसे करते हैं। अभी तो मुझे पता ही नहीं ना लिया नहीं लिया, भाई मैंने इस बटन को प्रेस करा, अब मुझे क्या पता वो स्क्रीनशॉट लिया गया नहीं लिया गया। अब देखिए, जो मेरा प्रोसीजर है, मेरा क्या प्रोसीजर सेव करने का, मैंने इस पर एक बार टैप करा प्रिंट स्क्रीन पे तो ये कॉपी हो गया। अब कॉपी करने के बाद तो पेस्ट कैसे करते हैं, देखिए जो मेरा प्रोसेस है वो ये है कि मैं इसमें MS पेंट में यूज करता हूँ सेव करने के लिए। और MS पेंट को ओपन करने का तरीका, आप स्टार्ट पे क्लिक करिए, स्टार्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे टाइप करिए पेंट। आप पेंट टाइप करेंगे, देखिए पेंट आ गया, आपको इस पे टैप करना है, आपका पेंट यहाँ ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, आपने शॉर्टकट की जो मैं यूज करता हूँ वो सिखाऊंगा। अब ये मैं बिल्कुल बेसिक आपको बता रहा हूँ कि हमने स्क्रीनशॉट लेके इसको कैसे सिंपल उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। प्रिंट स्क्रीन से कॉपी हो गया, अब मुझे पेस्ट करना है। देखिए, पेस्ट करने के लिए ये मेरी जो मेरा पेंट है वो खुल गया है। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको पेंट पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, या तो आप सिंपल कंट्रोल बी कर दीजिए, ठीक है, या आप इसे पेस्ट कर दीजिए। देखिए, मैंने पेस्ट करा, मेरी जो डेस्कटॉप है, देखिए मैंने पूरा का पूरा डेस्कटॉप मैंने जो प्रिंट स्क्रीन करा था अपने लैपटॉप में, फंक्शन की इसके जो ऑप्शन ऊपर था प्रिंट स्क्रीन, ठीक है, उस पे टैप कर रहा था, तो मेरा कॉपी हो गया था, मेरा पेस्ट हो गया। ठीक, अब मुझे को सेव करना है। देखिए, सेव करने के सिंपल आपको फाइल पे जाके जाना है और इसको सेव कर देना है। सेव करने के लिए आपसे लोकेशन पूछेगा वो कहाँ पे आपको सेव करना है। तो जनरली मैं इसको फिलहाल जो मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाता हूँ, उसमें डेस्कटॉप फोल्डर बना के लर्निंग के नाम से, आपका कुछ भी हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, ठीक है ना। लर्निंग का बनाता हूँ, उसमें इसका नाम डाल देता हूँ लर्निंग के नाम से, और ये मेरा सेव हो गया इसके अंदर, ठीक है जी। अब क्वेश्चन उठता है कि सेव तो मैंने कर लिया, ये तो सिंपल एक प्रोसेस हुआ मेरा कि स्क्रीनशॉट सेव करना। अब इसमें एक ऑप्शन आता है सेव एज का। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेव एज का ऑप्शन का फायदा क्या है कि मैं आपसे जो मेरा प्रोसेस ये है कि मैं जब भी स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो उसके हमेशा दो कॉपी बनाता हूँ। दो कॉपी का रीजन फायदा ये है कि सपोज करो मैं किसी एक फाइल पर काम कर रहा हूँ और मेरी गलती से मिस्टेक कर लियो, फाइल डिलीट हो जाए, तो जितना मैंने काम कर रखा है वो सारा डिलीट हो जाएगा ना। इसीलिए मैं जो भी काम करता हूँ तो अपने कॉपी की एक डेस्कटॉप पे फाइल रखता हूँ और एक कॉपी रखता हूँ मैं उसकी अपने डी ड्राइव के अंदर, और सेव दोनों पे करता रहता हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको सेव करके इसको इसी सेम फाइल को आप उन्हें किसी और जगह सेव कर दीजिए इसको, मैं डी ड्राइव में फोल्डर बना सकते हैं, या मैं इसको अपना टेस्ट के नाम से सेव कर देता हूँ। डी ड्राइव में मेरा सेव हो गया, तो जब भी मैं काम करूंगा तो मेरे फिलहाल सेव होगा मेरे डी ड्राइव में, ठीक है। लेकिन मेरे को इस फाइल को जब सेव एज करके डेस्कटॉप पे कर दीजिएगा आप, तो उससे फायदा क्या होगा, एक कॉपी आपकी डी ड्राइव में पड़ी हुई है और सेम कॉपी आपके डेस्कटॉप पे पड़ी है। अगर एक फाइल डिलीट हो गई तो दूसरी फाइल आपके पास है। तो दोस्तों, तो ये तो बहुत सिंपल प्रोसीजर आपका कॉपी पेस्ट करने का, जो बेसिक स्टेप है कि हमने प्रिंट स्क्रीन पे प्रेस करा फंक्शन की जो होता है और कॉपी करके पेस्ट कर दिया। लेकिन बहुत सारे जब मेरे लैपटॉप में फंक्शन कीज हैं, बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें इस प्रिंट स्क्रीन दबाने से कॉपी नहीं होता, तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, आपके आपके अगर आप अपना कीबोर्ड देखेंगे तो उसमें कंट्रोल के पास FN का होता है, फंक्शन कीज वाला ऑप्शन आता है, तो आपको अपनी फंक्शन कीज पे प्रेस करके देन प्रिंट स्क्रीन पर एक बार टैप करना है। टैप करने का तो कॉपी हो जाएगा, कॉपी करने का तो पेस्ट कर सकते हो।
जो आजकल जो लैपटॉप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं उसमें प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन टॉप में होता है, आप प्रेस करेंगे कॉपी हो जाएगा। इन केस आप डेस्कटॉप यूज करते हो सकता है उसमें कॉपी ना हो, तो आपको उसमें करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना, आपको वहाँ बैक स्पेस के पास आपका देखेंगे तो आपका एक छोटे चार कीज होती है, उसमें प्रिंट स्क्रीन होता है, इंसर्ट प्रिंट स्क्रीन फंक्शन की प्रेस करके उस पर प्रेस कर दो तो कॉपी हो जाएगा। पेस्ट करने का तरीका सिंपल वही है कि आपको अपना पेंट ब्रश खोलना है, पेंट ब्रश खोल के तो सेव कर सकते हो। ये तो हुआ पहला तरीका कि हम कैसे कर सकते हैं। इसी में हल्का सा एडवांस तरीका आप कैसे कॉपी करें, कैसे पेस्ट करते हैं, इसको बंद कर देते हैं हम लोग। ठीक है, सिंपल मैंने प्रिंट स्क्रीन दबाया, अब मुझे ये सेव करना है एडवांस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं विंडो प्लस आर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एमएस पेंट, टाइप करा एमएस पेंट, टाइप करा और एमएस पेंट टाइप करके खुल गया। ठीक है, कंट्रोल वी, इंसर्ट प्रिंट स्क्रीन कॉपी हो गया, कंट्रोल वी करके पेस्ट हो गया। सिंपल जाके वही प्रोसीजर है, सेव कर दो। मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ, उसको नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये तो हुआ प्रोसेस इसको सेव करने का। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में आता है कि हम लोग जनरली जो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, पर्टिकुलर रीजन ये होता है स्क्रीनशॉट लेना कि हमें उसका पर्टिकुलर कोई सेक्शन लेना है। ये तो मैं डेस्कटॉप की बात हुई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, पार्ट लो, सपोज करो हम लोग ले रहे हैं ऑफिस इमेजेस, हम लोग ऑफिस इमेज देख रहे हैं और इमेजेस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो जो आप एक्सप्लोरर यूज कर सकते हैं, मैं क्रोम यूज करता हूँ। मैं इमेजेस में जाऊंगा और इमेजेस में जाने के बाद मुझे सपोज करो किसी पर्टिकुलर सेक्शन को पिक करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो जनरली हम उसी का यूज करते हैं प्रिंट स्क्रीन का। देखिए फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने आप सपोज को मैंने किसी किसी भी ऑप्शन खोले, हम लोग हमें फॉर एग्जाम्पल हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया, मैं प्रिंट स्क्रीन दबाया, कॉपी हो गया ना। मैं अपना जो सेकंड स्टेप है एडवांस वाला, विंडो प्लस आर प्रेस करूंगा, एमएस पेंट लिखा होता है मैं लिख दूंगा या लिख दिया है, टाइप करूंगा। ठीक है, खुल गया, कंट्रोल वी करके पेस्ट हो गया। अब मैंने आपसे बोला कि मेरे फॉर एग्जाम्पल मेरे को 11 पार्ट, आप देख रहे हो मुझे सिर्फ 11 पार्ट लेना है, तो उसमें तरीका क्या होता है, इसे हम करते हैं क्रॉप करने का तरीका, इसे बोलते हैं क्रॉप। इस पूरी इमेज में से मेरे को सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन लेना है, उसके क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है सेलेक्ट का, ये क्रॉप। आपने फर्स्ट टाइम क्रॉप का दबाया कि आप इसमें पर्टिकुलर सेक्शन, करंट सेक्शन ले सकते हो पूरी स्क्रीन से, कुछ भी कहीं से भी जो हमने स्क्रीन करी है। आप देखो उसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो आप कुछ भी सपोज करो एडिशन का ये है, तो मेरे को प्रोजेक्ट में ये पार्ट लगाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें क्रॉप पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद देखिए मेरा जो कर्सर है वो इस प्लस साइन में कन्वर्ट हो गया। मैं इसको नीचे लेके आऊंगा और मेरे को फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मेरे को सिर्फ ये सेक्शन लेना है, तो उसमें आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है, उसे प्रेस करते ही देखिए और आपको उसको ड्रैग करना है। ड्रैग का मतलब लेफ्ट बटन प्रेस करके जहां तक आप उसको लेके जाएंगे, देखिए इसमें एक डॉटेड डैश वाला आपका एक बॉक्स बन गया है। ठीक है, तो मेरे को इतना सपोज पार्ट लेना है मेरे को अपने लिए। दो तरीके हैं सेव करने के, पहला तरीका बिल्कुल सिंपल समझाता हूँ आपको कि जो नॉर्मल तरीका हम यूज करते हैं सेव करने का जो बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए, तो कंट्रोल प्लस सी करो। ठीक है, तो ये पार्ट कॉपी हो गया, अब मुझे पेस्ट करना है एक नई एमएस पेंट के अंदर। ठीक है, तो सिंपल तरीका यहाँ पर टाइप करके आप पेंट लिख दो, पेंट लिख के क्लिक करोगे तो नई खुल जाएगी एमएस पेंट की। ठीक है, मुझे कंट्रोल वी कर दिया, अब देखो मैंने कंट्रोल सेलेक्ट करके मैंने कंट्रोल सी करा। ठीक है, और उसको पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी से, लेकिन मेरे को व्हाइट जो आप देख रहे हो ये स्क्रीन का बैकग्राउंड होता है, आपकी जो डिफॉल्ट आपका पेंट ब्रश होता है ना उसका साइज होता है, तो हमें इसे भी हमको चेंज कर सकते हैं। करने के लिए करना क्या, आपको इस पे आप देख रहे हो आपका माउस का कर्सर जो है, देखो अभी आपका ये प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब है आप इसे सेलेक्ट, देखो सेलेक्ट ये सेलेक्ट हो रहा है, ये देखो इसे सेलेक्ट हो रहा है, हो सकता है आपने मल्टीपल आप सेलेक्ट जितना चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो आप, कुछ आपको ऑप्शन मिलेंगे इसके अंदर, उसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो डालूंगा, फिलहाल सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला ही आपको डाल रहा हूँ कि कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी है। ठीक है, अब मेरे को इसे रेड पार्ट देख लो ना, मुझे इतना पार्ट ही चाहिए, तो आप इस पे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करो और इस स्क्रीन को ऊपर ले आओ। ठीक है, मेरा अभी पेस्ट हो गया, मतलब पहला स्टेप यह है कि मैंने प्रिंट स्क्रीन मारा करके प्रिंट स्क्रीन का मेरे को सिर्फ पर्टिकुलर सेक्शन लेना है, तो ये तो हुआ बेसिक स्टेप। अब सेव करने का तरीका दोस्तों वही है, फाइल पे जाके इसे सेव कर दो, सेव करने के लिए अपने नाम को ध्यान किस नाम सेव करो, मैं डेस्कटॉप पे सेव फिलहाल सेव कर रहा हूँ, जैसे कि रेडिसन के नाम से मैंने सेव कर दिया,
और यहाँ पर फॉर्मेट भी देता है सेव किस फॉर्मेट में करना है आपको, जो आप चाहते हो तो जनरली आप पीएनजी में ही सेव कर लो उसको, तो हर जगह पीएनजी सपोर्टेबल है, फिर क्लिक करके सेव कर दो। ये तो आप सिंपल तरीका कि हमने कैसे किसी पर्टिकुलर का हमने स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेके हमने सेव करा उसके, देखो ये थोड़ा लेंदी रहा, मैंने एक प्रिंट करा, मैंने उसको पेस्ट करा एम एस पेंट में, फिर मैंने दोबारा से एम एस पेंट खोला, वहाँ कॉपी करा, वहाँ सेव करा। अब है एडवांस तरीका, एडवांस तरीका क्या तरीका दोस्तों, पर मैंने प्रिंट स्क्रीन करके यहाँ पेस्ट करा, कुछ समझ गया ना, पेस्ट नहीं करा, प्रिंट स्क्रीन करा, कंट्रोल वी कर दिया, यहाँ पेस्ट हो गया। अब मेरे को सिर्फ रेडिएशन वाला चाहिए तो मैं कंट्रोल एक्स करूँगा, कट गया ठीक है, मैंने पहले कंट्रोल सी करा था, कंट्रोल सी करके मैंने पेस्ट किया था। अब मेरे को इस पूरी की पूरी स्क्रीन में यही मेरा काम का है, मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे को अपनी एडवांस तरीके से सेव करना है इसी पार्ट के अंदर, कट कर दिया, कंट्रोल एन प्रेस करो, कंट्रोल एन प्रेस करके आपसे पूछेगा कि भैया आपको ये डू यू वांट टू सेव चेंज अनटाइटल, जो आपने जिस स्क्रीन का आपने स्क्रीनशॉट लिया है क्या उसमें और कुछ चेंजेस आते हैं या उसको हटा दो, नहीं चाहिए मेरे को, डोंट सेव, हट गया ना, फिर से कंट्रोल भी कर दो, देखो ये आ गया ना कंट्रोल भी, तो मेरा टाइम बचा है नहीं बचा है, पर मेरे हाथों हाथ इसमें सेलेक्ट करा, कंट्रोल एक्स करा, कंट्रोल एक्स के बाद कंट्रोल एन करा, कंट्रोल एन का मतलब न्यू, कंट्रोल प्लस एन का मतलब होता है न्यू स्लाइड चाहिए मेरे को, न्यू एम एस पेंट चाहिए। आप जैसे जब भी न्यू करोगे आपसे पूछेगा कि आपको इस एग्जिस्टिंग का जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है आपका काम का है या नहीं है, अगर आपने एक बार उसको नो कर दिया तो आपने कुछ भी कर रखा हो सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना, फिर नई विंडो खोल के आएगी एम एस पेंट के अंदर, फिर आपको चेंज नहीं कर पाओगे आप। बहुत ध्यान से सोच समझ करना, अपनी फाइल की दो कॉपी बना के रखना, एक अलग लोकेशन पे और एक अलग लोकेशन पे, ठीक है ना। करने के बाद आपने यहाँ कर दिया कंट्रोल एक्स कर दिया, कंट्रोल एक्स में वो पर्टिकुलर सेक्शन मेरा डिलीट हो गया, डिलीट होने के बाद वो आपको उसी में कंट्रोल एन प्रेस करो, नई विंडो खुलेगी एमएस पेंट की, हाथ वहां पेस्ट कर दो। तो दोस्तों ये तो है एडवांस तरीका, हमने कैसे एक पर्टिकुलर कुछ भी, ये तो एक सिंपल तरीका, कहीं से कुछ भी उठा सकते हो आप, प्रिंट स्क्रीन का फायदा ही होता है, आप कहीं पे भी हो, सिस्टम में कुछ भी कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, इमेजिंग कर, कुछ भी कर रहे हो, स्क्रीनशॉट मारा, उस पर्टिकुलर सेक्शन को उठाया और वहां पे आप कर सकते हो, ठीक है, सेव कर दिया, सेव एज करो। मैं सिंपल आपसे बोलूंगा दो जगह सेव करना, जब भी आप एडवांस काम करोगे आपको याद रखा, कुणाल ने बोला था दो जगह सेव करने का, हाँ, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, एमबीए कर रहा था, तो मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और ये डिलीट हो गया था मुझसे, तो मुझे महीनों लग गए थे उसको फाइल को रिकवर करने में, बहुत जगह से मैंने इसमें स्क्रीनशॉट ले लेके बहुत सारे टाइटल्स डाले थे और जब डिलीट हो गया था तो बहुत समय लगा था मेरे को उठाने में, क्योंकि आप जब स्क्रीनशॉट लोगे और बहुत सारे आइटम्स लेके आओगे तो आपको याद नहीं रहेगा आपने कहाँ कहाँ से लिया था, तो दो कॉपी बना के रखोगे तो हमेशा फायदेमंद होगी कि गॉड फॉरबिड ने डिलीट हो गई गलती से। चलो दूसरी भी है दोस्तों, ये तो बात हुई हमारे स्क्रीनशॉट को सेव करने की, अब बात होती है कि मैं कैसे हम अपने स्क्रीनशॉट को सेव करने के बाद हम कैसे उसका वीडियो थंबनेल बनाते हैं। चलिए ये है सेकंड पार्ट, हम कैसे स्क्रीनशॉट लिया और वीडियो थंबनेल, देखिए मैं जो थंबनेल बनाता हूँ मैं जनरली पावर पॉइंट यूज करता हूँ, एमएस ऑफिस का जो पावर पॉइंट है ना मैं वहां उसका यूज करता हूँ। देखिए मैंने कट अभी जो विंडो खुली हुई है मैंने इसमें सेव कर रखा है नया फाइल वाली, तो इसका एक तरीका है, आपको कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल देखो कंट्रोल जेड अंडू हो गया, कंट्रोल जेड होता है अंडू के लिए, इसको स्ट्रेस करके वापस ले यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले पावर पॉइंट ओपन करता हूँ मैं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं अपनी वीडियो का, जो हम वीडियो डालेंगे यूट्यूब पर उसका थंबनेल कैसे बनाते हैं, वीडियो थंबनेल कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो मेरा पावर पॉइंट का मेरा ब्लैंक स्क्रीन खुली है, तो मैं जनरली इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट करके जाओ क्लिक करो डिलीट कर दो, तो आपकी ब्लैंक स्क्रीन है ना। अब मेरे को अपने वीडियो का थंबनेल बनाना है, ठीक। अब वीडियो थंबनेल जैसे सपोज करो जिस वीडियो को मैं आपको सिखा रहा हूं, हाउ टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है, एंड हाउ टू यूज इट एज एन वीडियो थंबनेल, हम यहां पे डालते हैं वीडियो थंबनेल, डाला मैंने यहां पे डाला थंबनेल और मैं गया इमेजेस पे, हम इसे ओपन होने दीजिए, ओपन होने के बाद हम लोग जाएंगे इमेजेस पे। अब देखो वीडियो इमेजेस आने के बाद हम लोग कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को उठाएंगे अपने वीडियो थंबनेल बनाने के लिए, भाई जो ऑलरेडी जिन लोगों ने कर रखा है तो वहां से भी तो हमारे काम आएगा, यूट्यूब है जो हमारा गूगल है, हमको ये मल्टीपल सोर्सेस से चीजें लेके आता है, तो स्क्रीनशॉट का फायदा ये होता है कि आप उन चीजों को अपने पर्पसली यूज कर सको, ठीक है। अब इमेजेस खुल गई मेरी, तो इमेजेस देखो मेरे को सपोज करो मैं मेरे को अपने लिए वीडियो थंबनेल बनाना है, ये तो आपको वीडियो थंबनेल सपोज करो आपको 7 डिजाइन आपको वीडियो क्रिएट करो मैं लेना है। अब देख रहे हो ये पार्ट लेना क्रिएट वीडियो थंबनेल, मैं सिंपल प्रिंट स्क्रीन प्रेस करूंगा, अपना ब्रश खोलूंगा, अब मेरे ऑलरेडी फाइल खुला हुआ है,
इसी के ऊपर कंट्रोल भी कर दो। हाँ क्या हो पूरी स्क्रीन के ऊपर आ गई तो आप ड्रैग करके आपको क्या करना है, आपको क्रैप करना है। आप इस यहाँ पे अपना इसे सेलेक्ट करो, मेरे को अपने लिए ये चाहिए फॉर एग्जाम्पल, मेरे को वीडियो कॉल बनाने के लिए सेलेक्ट करा, सिंपल कंट्रोल सी करो उसको आप, या कंट्रोल एक्स कर देते हम लोग, तो कंट्रोल एन करा हमारी नई विंडो आ गई, कंट्रोल वी कर दो यहाँ पर आ गई, और मेरे को उसको इतना ही चाहिए। ठीक है, अब मेरे को ये यूज़ करना है अपने थंबनेल बनाने के लिए, तो आप क्या करो कंट्रोल ए करके इसे कंट्रोल सी कर लो, उसको फिर सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर लो, आपने जो पावर पॉइंट खोला है ना वहाँ पर जाकर कंट्रोल वी कर दो। देखो ये आ गया आपका, ये देखो आप इसे थोड़ा बड़ा कर लो अगर होगा इसको अपने अकॉर्डिंग, आपका थोड़ा इसमें इमेज ब्लर आ रही है तो आप थोड़ा इमेज देख लेना। ठीक है, और इसी के अंदर अपने आप चेंजेस करके वीडियो थंबनेल सपोज कर आपको ये है तो यहाँ से आप इसमें इंसर्ट करके ना, इंसर्ट में आपके शेप्स आती हैं, शेप्स में आपको ये आपका शेप होता है यार राउंडेड रेक्टेंगल, आप इस पर टैप करके आप यहाँ पे डाल सकते हो। सपोज करो आपको वीडियो इस पर आप डबल टैप करोगे तो लिखने के लिए हो जाएगा कुछ, लिखो हाउ टू क्रिएट वीडियो थंबनेल। ठीक है, ये करा हमने और इसको सेलेक्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग इसमें आप इसका कंट्रोल ए कर दो, कंट्रोल ए करके सेलेक्ट हो जाएगा, इसमें सेलेक्ट कर लो उसको आप, इसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते, इधर राउंड से आप हल्का सा टेल भी कर सकते हो और इसमें उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, आपने होम पे जाकर इसका सपोज करो मेरे को फॉन्ट बड़ा चाहिए, देख रहे हो आप 40 हो गया, और मेरे को इसका कलर भी डिफरेंट करना है, कलर मेरे को वाइट चाहिए वाइट करने के लिए, लेकिन मेरे को इसका बैकग्राउंड भी चेंज करना है, तो आप फिर डबल टैप करो इसके ऊपर, डबल टैप करोगे तो इसके एनिमेशन के अंदर ना देखो आपको ये कलर खुल जाएंगे। तो सपोज करो आपको ब्लैक कलर लेना है बैकग्राउंड में, तो आप ब्लैक करोगे, पीछे ब्लैक हो गया ना, और आपको भी ये वाइट अच्छा लग रहा है, आपको येलो चाहिए, इसे सेलेक्ट करो, वापस होम पर जाओ, होम पर जाकर जो ऑप्शन आता है कलर वाला फॉन्ट कलर को इसमें आप कर दो येलो ऑरेंज, कर दिया आपने तो दोस्तों यार हो गया। लेकिन अभी ये पावर पॉइंट में सेव हुआ है, अब आपको इसे यूज करना है वीडियो थंबनेल में। ये सिंपल आपको तरीका बताया मैंने कैसे बना सकते हो थंबनेल, इसमें मल्टीपल चीज़ आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, किसी भी इमेज से आप उसको उठा के ला सकते हो, कर सकते हो। ये तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है कि मैं कैसे एक अपना वीडियो थंबनेल बनाता हूं, ठीक है। तो इसमें हमने अब बात आती है कि मेरे को सेव करना है, ठीक है, तो आप इसको बड़ा कर दो, आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो क्योंकि वीडियो में आप स्ट्रेच कर लो, और इसको स्ट्रेच करके हल्का सा यहाँ स्ट्रेच कर लो, ठीक, कर दिया हमने स्ट्रेच। सिंपल वही तरीका करना है आपको, फिर से प्रिंट स्क्रीन करा, प्रिंट स्क्रीन आप यहाँ टैप कर लीजिए, अगर आपसे कुछ पे रहेगा ना सेलेक्टेड रहेगा पार्ट आपका, ये देख लो ये सेलेक्टेड है, आप यहाँ पे अगर क्लिक कर दीजिए अपना माउस का राइट लेफ्ट क्लिक तो ये सेलेक्टेड पार्ट हट जाएगा। फिर से प्रिंट स्क्रीन करो, फिर से हमें आपका पेंट ब्रश पर जाओ, कंट्रोल वी करो, देखो आपका आ गया ना। अब आपको इसे क्रॉप कर लो, क्रॉप करके आपका सिंपल यहाँ सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके अपना आपको जितनी आपको इमेज चाहिए इस सेलेक्ट करके नेक्स्ट सपोज करो, फिर से कंट्रोल जेड करते हैं। एक बार सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जितना पार्ट सेलेक्ट कर लोगे एक बार में वो उतना पार्ट होगा, इसे करके कंट्रोल एक्स करो, मुझे ये पार्ट चाहिए, फिर से कंट्रोल एन करो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर, डोंट सेव, कंट्रोल वी। अब देखो दोस्तों हमने जो इमेज पावर पॉइंट में जो इमेज लगाई थी इसे इमेज क्रिएट ग्रेट ब्यूटी थंबनेल, ये सपोज करो आपको फाइनल वीडियो के थंबनेल आए, फोटो अपना लगा सकते हो आप, ठीक है ना, टेक्स्ट, ये तो एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन है कि आप इसमें कैसे मल्टीपल आप चीज डाल सकते हो उसके अंदर, ठीक है भाई, इमेज भी डाल सकते हो और भी काफी सारी चीजें चेंज कर सकते हो, ये सिंपल आपके लिए एक है कि आप कैसे सिंपल अपना एक थंबनेल आप बना सकते हो। और ये तो यहाँ पे सेम नहीं हुआ, आपको स्क्रीन शॉट लेके इसको आप एमएस पेंट पे लेके गए, यहाँ कर दिया, अब इसको आप सिंपल फाइल पे जाओ, सेव कर दो, तो ये करने के लिए आपसे पूछेगा आपको है वीडियो थंबनेल करके एंटर करो, ठीक है। अब दोस्तों जब भी आप अपने जहां पे प्रोजेक्ट पे डालोगे आप तो ये भी जेपीजी फाइल या पीएनजी फाइल सेव हो जाएगी, ये देखो ये फाइल खुल जाएगी आपके, उसे खोलने के बाद इसको आप यूज कर सकते हो अपने वीडियो के अंदर, आप फिलहाल कर दें, ठीक है, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, ओपन होने के बाद इसमें यूज कर सकते हो। आपको थोड़ा अपनी फाइल दिखाता हूँ दोस्तों, जब मैंने एक वीडियो इसके अंदर में थंबनेल बनाया था, देखो दोस्तों ये जो मैंने थंबनेल बनाया था अपना, तो नाम अपने अकॉर्डिंग आप डाल लो उसके अंदर, पीएनजी फाइल सेव हो गई है, ठीक है,
सिंपल आप अगर थोड़ा टाइम लगा रहे ना मेरे फाइल थोड़ा बहुत सारी फाइल इधर आप इसे ओपन कर सकते हो, राइट क्लिक करके ओपन किससे करना है मैं इसे ओपन विद पेंट भी कर सकता हूँ उसके अंदर, ठीक है मैं इसको ओपन विद पेंट कर देता हूँ तो मेरी फाइल ये पेंट ब्रश के अंदर ओपन हो जाएगी। देखो ये जो फाइल देखो सेलेक्टेड है तो मैं वहाँ पे इस पर टैप करना भूल गया था, जो अपना पावर पॉइंट जाता था तो ये सेलेक्टेड पार्ट दिखा रहा है तो इसमें भी हम लोग मैंने ये पूरी जो फाइल बनाई थी मैंने ये वहीं से कॉपी पेस्ट किया था, ये पार्ट जो देख रहे हो मैंने अपना इस अपनी इसका हाउ टू कन्वर्ट ओल्ड टीवी टू स्मार्ट टीवी अंदर जितने आप चीज देख रहे हो ना ये सारे सारे मैंने ये आप जो सेलेक्टेड पार्ट देख रहे हो जब सिखाया मैंने भी अपना शेप्स में जाके आप ले सकते हो, ठीक है। और ये शेप लेके मैंने ये इमेज किसी ली थी स्क्रीनशॉट लेके, ये भी मैंने स्क्रीनशॉट लेके ली थी उसको लेके यहाँ पेस्ट करो, आप दो तीन जगह भी सेव अपने खोल के रखो आप क्योंकि आपको कई जगह काम आने वाली है, कई सारी स्क्रीन हमको लेनी पड़ती है तो आप कॉपी करके पेस्ट करते रहो और दो तीन अपने पेन ब्रश खोल के रखो। अब जितना आप यूज करोगे ना जितना आप उसमें काम करोगे आपको उतना आपका प्रैक्टिस होगा। देखो पहली बार करने में तो बहुत डिफिकल्टी आती है, मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ तो मेरे लिए इजी है प्रोसेस ही। जैसे अगर बात करूँ कार चलाना तो कार चलाना बहुत आसान है, हम कहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी को कार चलाना सिखाते हैं तो उसके लिए बड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि उसको जिस स्टेज में हम लोग कार चलाते हैं उसको वहां आने में टाइम लगेगा। इसी तरीके से हम जो काम कर रहे हैं जैसे पेंट ब्रश एक बहुत सिंपल टूल हमारे लिए विंडोज ने प्रोवाइड करा है जिसमें हम मल्टीपल चीजें कर सकते हैं उसी के अंदर आप टैच देखो आपका ये है ना आप इसी में टैच कर सकते देखो आप ये देख रहे हो अब इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे टैप कर दोगे ना आप यहीं पे भी आप कुछ भी टाइप कर सकते हो तो ये आपको इसके अंदर ऑप्शन प्रोवाइड करता है पेंट के अंदर भी आप ठीक है सेलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड कलर डाल दो तो बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। फिलहाल तो मैंने आपको जो सिखाने की कोशिश करी है कि कैसे स्क्रीनशॉट लेना है पहला सिंपल तरीका, दूसरा एडवांस तरीका, थर्ड मैंने आपको दूसरे पार्ट में सिखाया है कि हम कैसे अपने स्क्रीनशॉट को एज ए थंबनेल ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप स्क्रीनशॉट ही लेके करो। अब देखो ये पार्ट ये अब इंटेलिजेंट वाईफाई डिस्प्ले डोंगल है तो ये पार्ट मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास उसकी इमेज नहीं है ना, तो ये जो मैं डिवाइस का जिसको मैंने डेमोन्स्ट्रेशन अपनी एक वीडियो में दिया था इस डिवाइस को मैंने ओपन करा विंडो अपना क्रोम के अंदर, ये इसकी सारी डिटेल्स आ गई, मैंने इसका अपना स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेके मैंने वहां से कट करके अपने इसमें एमएस पेंट में सेव करा, सेव करके मैंने ये पलटी सेव करने के बाद इस इमेज को मैं लेके गया अपना पावर पॉइंट के अंदर, वहां मैंने अपने जो बॉक्स देख रहा वन टू ये भी मैंने कट करके डाल दिया था, ये तीनों मैंने वहां डाला उसमें चेंजेस करे जो मैं लिखना था मेरे को, चेंजेस करने के बाद मैंने उसको स्ट्रेच करा, स्ट्रेच करके फिर से मैंने उसमें प्रिंट स्क्रीन किया करके आप अभी मैं अपने एमएस पेंट में आए लिख के आपने इसमें कर दिया। यहाँ से इसको दोस्तों अगर आप चाहो आप पावर पॉइंट को यहाँ से भी सेव कर सकते हो, ठीक है यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है सेव एज पिक्चर, ठीक है तो आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो। तो दो तरीके हैं आप इसको वहां सेव करके भी अपने, क्योंकि जो भी फाइल का जो आप सेव करोगे इस फाइल का जो साइज बड़ा होता है, अगर आपको अपनी इमेज का साइज छोटा करना है आपकी कोई भी साइज की सपोज आपकी 5 MB 8 MB की आपकी एक इमेज फाइल है आप उसको छोटा करना है तो छोटा करने का तरीका ये है सिंपल से पेंट ब्रश में ओपन करो और सेव कर दो JPG कर दो किसी में कर दो तो उस फाइल का साइज छोटा हो जाएगा, आप ट्राई करके देखना, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, जो मैं समझाना है आपको कोशिश करी समझाने की मैंने कि कैसे हम बहुत आसान तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद कैसे उसको हम लोग अपने वीडियो थंबनेल में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो को आप प्लीज लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँ।